अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको स्टीम चिकन चरगा बनाना सिखा रहे हैं। ये हमारी चिकन है 1.25 किलो की साबुत, इसको हमने कट लगा लिया है। अब इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे वो 1 टेबलस्पून रेमन जूस है, 1 टीस्पून करी पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून चिकन टिक्का सीख कबाब मसाला है, कोई भी कंपनी का आप ले लें, भुना कुटा ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, रेड चिली लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका मेरा मैंने 1 टी लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 1/4 कप दही है, योगर्ट है, 2 टेबलस्पून भर के हमने क्रीम ली है। ये हम चिकन में डालेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, फिर इसके सॉस बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं, लेमन जूस डालेंगे, क्रीम डालेंगे, योगर्ट डालेंगे, दही डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, करी पाउडर, चिकन टिक्का सीख कबाब मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सॉल्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, इनको मिक्स करेंगे, फिर हम चिकन में लगाएंगे सारा मसाला। हमने चिकन की लेग को रबर बैंड से बांध दिया है, अच्छी तरह अंदर बाहर अच्छी तरह लगाएंगे मसाला और उसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। ये हमने लगा दिया है, अब इसको 1 घंटा मैरिनेट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे बनाने। ये हमने बड़ी पतीली ली है, इसमें हमने आधा पानी डाल दिया है, आधा लीटर यानी 4-5 गिलास डाल लें आप। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बना सकते हैं। ये चावलों की जो छन्नी हम ये रखेंगे, इतनी बड़ी पतीली नहीं कि ये नीचे टच ना हो। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, बिस्मिल्लाह, हमने चिकन डाल दिए, सब मसाला हमने इसमें लगा दिया था, डाल दिया था। अब इसको ना हम हल्की आंच करेंगे, इसी में ढक देंगे इसको स्टीम के लिए। हमने मीडियम आंच कर दी है, इसकी भाप से हमारी चिकन गल जाएगी। हमने इसको ढक दिया, इसको बार बार नहीं उठाएगा वरना सारी स्टीम निकल जाएगी। इसको 20 मिनट बाद देखिएगा और नीचे भी देखिएगा, छन्नी हटा के पानी कम हो गया, अगर कम हो गया तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हैं।
20 मिनट हो गए हैं, हम अपनी चिकन को पलटेंगे। अब इसको ढक देंगे। नीचे पानी देखेंगे ताकि पानी खुश्क ना हो जाए और हमारी चिकन गले नहीं। हम इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। पानी इतना डालिए कि सिर्फ छन्नी टकराए नहीं पानी से, बस पानी उबलता रहे तो स्टीम आती रहे चिकन में। इतना डालिएगा और पतीली गहरी हो, बड़ी हो और गहरी हो। इसकी सॉस बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने मेयोनीज लिया है, आधा कप हमने अब इसकी सॉस बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने मेयोनीज लिया है, आधा कप हमने दही लिए, 4-5 लहसुन के जवे लिए, 2 हरी मिर्च लिए, 1 आलू लिया बॉयल छोटा, नमक हसबे जायका। अब शुरू करते हैं। नमक डालेंगे, मेयोनीज डालेंगे, हरी मिर्च डाली, लहसुन डाल दी हमने, दही डाल दी, इसको ब्लेंड करेंगे हम। हमारी चिकन तैयार हो गई है, स्टीम देखें। बस हम इसका चूल्हा ऑफ कर रहे हैं।